करेंगे सुषमना, और इसके जो मुख्य कार्य संरचना और इसके कार्य, रीढ़ की हड्डी जो कमर से गर्दन तक फैली है में एक लंबा शंकु रूप संरचना होती है जिसकी मोटाई एक वयस्क व्यक्ति की कनिष्क उंगली के बराबर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुषमना बोलते हैं। यह तरल पदार्थ एक विशिष्ट रूप से आवरण से ढका होता है जिसे मैनिंग्स कहा जाता है। सुषमना ऋणदार कॉलम में सुरक्षित होता है जिसे सर्विकल अर्थात गर्दन, थैरेटिक अर्थात छाती, लुम्बर पीठ के क्षेत्रों में 24 स्वतंत्र कशेरुका, तो कशेरुका होता है देखिएगा पीछे जो है ना, ये लगता है कि कुछ बीच बीच में गड्ढा गड्ढा सा रहा है, तो वो एक कशेरुका हो जाता है, यानी ये कई सारे पार्ट में बटे हुए हैं। तो 24 स्वतंत्र कशेरुका तथा कॉलम के सैक्रल तथा कोशिली क्षेत्रों में कुछ मिश्रित कशेरुका होते हैं। जो चित्र है अभी हमारा दिख रहा है, मैं सुषमना की संरचना तथा कशेरुका के विभाजन एवं संरचना को दिखलाया गया है। चित्र में यह स्पष्ट है कि सुषमना कशेरुका के कॉलम में करीब 2/3 हिस्से में ही होता है और बाकी का बचा हुआ जगह मेरुदंडीय जड़े जड़ों में भरा होता है जिसे काउडा इक्वाना या हार्स टेल भी कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो सुषमना ऊपर से मेडुला से प्रारंभ होकर नीचे काउडा इवाना तक जाता है। ऊपर से नीचे तक सुषमना में कुल 31 भाग हैं। प्रत्येक भाग में मेरुदंडीय तंत्रिका का एक जोड़ा निकलता है। इस जोड़े में से एक तंत्रिका द्वारा शरीर के बाएं भाग से स्नायु प्रवाह आता है तथा दूसरे तंत्रिका द्वारा शरीर के दाएं भाग से स्नायु प्रवाह आता है। मेरुदंडीय तंत्रिका का एक तरह की परिधीय तंत्रिका होती है जिसके द्वारा संवेदी सूचनाएं सुषमना में आती है तथा फिर सुषमना से गति सूचनाओं के रूप में वे बाहर निकलती हैं। सुषमना में प्रवेश करने से थोड़ा पहले मेरुदंडीय तंत्रिका को 2 भागों में बांट दी जाती है, एक पीछे से होकर तथा एक आगे से होकर सुषमना में प्रवेश करती है। पीछे से प्रवेश करने वाले मेरुदंडीय तंत्रिका के भाग को डार्सल रूट तथा आगे से प्रवेश करने वाले मेरुदंडीय तंत्रिका के भाग को वेंट्रल रूट कहा जाता है। डार्सल रूट की पहचान यह होती है कि मेरुदंड तथा सुषमना के पास थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देता है। डार्सल रूट द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में संवेदी तंत्रिका तंत्र सुषमना में प्रवेश करता है तथा वेंट्रल रूट द्वारा सुषमना से गति तंत्रिका आवेग के रूप में सूचनाएँ बाहर निकलती है। सूचना को यदि कहीं से